सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम सीखेंगे कि एडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि सब फ्रैक्शन का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो इसमें मैं दो वर्ड्स का यूज़ करूँगा, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन होती है तो वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो नीचे वाली जो डिजिट होती है वो डिनोमिनेटर होती है, ऊपर वाली जो डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूमिनेटर होती है। ठीक है, सो इसमें सिर्फ हमारा दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जब हमारा क्या होगा, सेम होगा। सपोज डैट मान लीजिए कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। तो एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ पहले ऐड का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया ऐड का कि 3/5 प्लस 3/5। अब आप देखिए कि नीचे के दोनों डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं। डिनोमिनेटर सेम होती है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे के ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, और डायरेक्ट मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6/5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं देख लेता हूँ क्या सब्ट्रैक्ट का, किसका सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन मान लीजिए ले ले रहा हूँ मैं कि 4/5। ठीक है, माइनस का 3/5। अब इसमें भी नीचे क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, और डायरेक्ट मैं ऐड कर दूंगा। डिनोमिनेटर जब मेरा सेम होता है तो मैं डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 4 में से 3 जाएगा 1/5। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस में, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा हमारा। ठीक है, डिनोमिनेटर मान लीजिए जब हमारा डिफरेंट होगा, तो एक क्वेश्चन मैं इसका ऐड का आपको बता रहा हूँ। सपोज डैट मान लीजिए 2/4 है प्लस का 3/ कितना है, 5। ठीक है, 2/4 है और 3/5 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम हम ले लेते हैं। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं एलसीएम के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करते हैं। ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, 2 बार, बट 2 से 5 नहीं जाएगा, तो इसको एज इट इज़ ऐसा कैसे लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे 2 से कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। फिर 5 नहीं जा रहा, तो 5 हमने ऐसा कैसे लिख दिया। फिर 5 से जा रहा है, तो 5 1 बार जा रहा है, ये 1 हमने। यहीं तक हम करते हैं जब तक हमारा 1 नहीं आता है। अब क्या करते हैं, हम इन वाली जो डिजिट है, ये वाले जो नंबर हैं, ऑल नंबर ये वाले, इन सबको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 × 2 × 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। एलसीएम जब हमारा 20 आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ रखेंगे एलसीएम के लिए नीचे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाली डिनोमिनेटर का और एलसीएम हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसका जब हम करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला डिजिट। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, इसकी इसकी फिर से करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ऊपर वाला डिजिट ऐसा कैसे। अब ये 5 × 2 = 10, बीच में साइन प्लस का, 4 × 3 = 12, अपॉन में कितना, 20। ठीक है, अब 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 12, ये हमारा हो जाएगा कितना, 22, अपॉन में कितना है, 20। अब हम देखेंगे कि हमारा कट कितनी बार रहा है। ठीक है, तो ये कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 10 =, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 11/10 हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस वाला कर लेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो मेरी लास्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखिएगा। थैंक यू।